ये सो गया है गाइस अपनी मालसी की गोदी में। देखो ये लड़की इतनी बातें करती है, काका भी सो गया। अच्छा कह रही हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ अपने घर। तो देखिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ और कौन कौन मिलने आया मुझे घर पे, तो सारा आपको देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों। ये दोस्तों ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर। हेलो बोलो, क्या नाम है आपका? वानी, रूहानी। अच्छा रूहानी, वाओ कितना प्यारा नाम है। ये मेरी बुआ जी की बेटी है, ये इसकी बड़ी सिस्टर है। आपका क्या नाम है? हेलो तो कर दो। हेलो। ये देखिए ये छोटी सी प्यारी सी मच्छी है भाई। इसको इसको खुशी हो रही है। कहाँ जा रहे यार, नन्ही हाउस चलते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर मिलने आई है मुझसे नुपुर, मुझसे नहीं काकू से मिलने आई है। और ये देखिए इसको बहुत खुशी हो रही थी, और ये बहुत खुश हो रही थी मिलके, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद मिली। सबसे पहले तो ये तभी मिली थी जब ये हुआ था, उसी दिन आई थी ये मिलने के लिए। और इसका बहुत योगदान है दोस्तों, इसने मुझे बड़ा पॉजिटिव रखा है पूरी प्रेगनेंसी में। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इतनी प्यारी दोस्त मिली। तुझे विश्वास हो रहा है? कहाँ कहाँ हम कॉलेज में जाते थे, खाते पीते थे, हैं? हम बाहर घूमते थे, बैचलर लाइफ आज तक ही। अब शादी हो गया, देखो लड्डू छोटा सा। सारी रात नीचे कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? बेटा मासी इधर है, मासी इधर बैठी है। उधर कौन सी तेरी मासी बैठी है? ये सो गया है गाइस अपनी मालसी की गोदी में। देखो ये लड़की इतनी बातें करती है, काका भी सो गया। ये नहीं समझ आ गया मेरी बातें सुन सुन के बोर हो गया। वो आकड़े की ओए, आकड़े की रोटी पोई भांगड़े का साग, आकड़े की रोटी पोई भांगड़े का साग, धतूरे की भांजी चोपी, जी मुझे बोले नाथ मन शिव रटे रे, मन श्याम रटे रे, भोले को रटे रे, शिव को रटे रे, शंभु को रटे रे। क्या हुआ मामी का काके को? काका रो रहा है। ओए ओए बताना नहीं आ रहा, वो कह रहे चुप लो। आए देखो चुप कर दो, ये चुप कर दो लो। वो देखो दीदी क्या कह रही है। अब आप पुप हो गया नो ने। हाँ भैया रो रहे, भैया रो रहे। अच्छा चुप करा ले इसको। तो आज हम आए अपने मंदिर में, तो देख सकते हैं हमारे पंडित जी हैं, और ये हमारी आंटी हैं, और ये मंदिर है।
बार भाषण कर ले कौन क्रांत के देश पूरे हो देश सब क्रांत के देश पूरे हो सब लोग बहुत ठीक है पंडित जी आशीर्वाद है सब अच्छे होंगे। और आज जो है मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ पूरा मतलब रेडी होने के बाद, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अपनी देवी पे। और देखिएगा आप भी हम आज पूरा दिन क्या क्या करने वाले हैं। और अभी हमारे यहाँ पे मम्मी रेडी हो चुकी है और भी दिखाती हूँ आपको। और पीछे जो है मिस्टर अनमोल सो रहे हैं, वो उनके दादू खड़े हैं। तो सारा हाल मैं जो है आपको दिखा रही हूँ अभी क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। और बस अभी हम निकल रहे हैं, तो बने रहिए, स्टे ट्यून दोस्तों। जब भी मतलब बेबी होता है तो उसकी झंडी जो है वो मंदिर में चढ़ाई जाती है। तो और ये हमारा सारा सामान रेडी है, वो दिख रहा होगा शायद। हाँ। वो गोली बैठा ऊपर, ये
वो देखिए। दोस्तों हमारे रास्ते में आता है मारकंडे, मतलब मारकंडे नदी है, ये नदी है ना, मारकंडा देवत, मारकंडे देवता है ये, तो हम इस पे माथा टेक के जरूर जाते हैं। रास्ते में आते जाते हम इस पे जरूर माथा टेकते हैं। और डैडी जो हैं वो आगे निकल चुके हैं, आगे क्यों निकल गए वो आगे इसलिए निकले हैं क्योंकि मेरा भाई मम्मी पापा भी आए हुए यहाँ पे माथा टेकने के लिए। ये देखिए अभी देखते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें। तो हमारे नोन है उनको तो पता ही होगा, और नहीं है तो मतलब मेरे पापा की हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब चल रही है दोस्तों, मतलब उनको बहुत हेल्थ इशू चल रहा है और उनका और बस आप सबसे भी प्रार्थना है कि उनके लिए प्रे करिएगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आ रही है मम्मी खिलौने लेके, उनके लिए लाई आगे से आगे से आगे से इसको। अरे वाह, अनमोल से मिल तो लो पहले। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी देवी के दर्शन कर लिए थे और यहीं पर हमें मामा जी के बच्चे यानी ये दीदी और भैया मिलने आ गए थे यहीं पर। और यहाँ पर मतलब बस हम लोग थोड़ी देर रुके क्योंकि दीदी और यहीं पे आ गए थे, तो फिर हम लोग इनसे बात करने लगे थे थोड़ी देर। बहुत अच्छा दिन रहा, मतलब हमारा ना बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आया। और बस दोस्तों आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रो दिया, रो रो के बस। भाई आप भी बताना गाइस, आप बताना कि बेबी इतना ज्यादा रोता क्यों है भाई? हमारा तो बेबी बहुत ही ज्यादा रोता है भाई, बहुत ही ज्यादा, और सारी रात रोता है ये, सारी रात। इसकी रेमेडी हो या किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। ऐसा भी हो सकता है, फर्स्ट टाइम आया ना बाहर, तो लेट हो रहा है, घर में भी बहुत ज्यादा। चलो चलो चलो, हम चल रहे हैं भाई, हम चल रहे हैं।